And I hope you all are safe and sound, taking all the COVID measures and regularly studying, because exam season, student life और exams तो साथ साथ पूरे साल चलते ही रहते हैं. हाफ ईयरली होते हैं, फिर उसके बाद यूनिट टेस्ट हो जाते हैं, फिर दिसंबर में एग्जाम्स हो सकते हैं, और फिर फाइनल एग्जाम से पहले भी छोटे मोटे मॉक टेस्ट और यूनिट टेस्ट तो चलते ही रहते हैं. हमें अपने सारे एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स के साथ एस करने हैं, और आप तो डेफिनेटली एस करोगे ही, सारे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे ही, क्योंकि आप तो अन अकेडमी के साथ पढ़ रहे हो. बिकॉज विद अन अकेडमी यू कैन एस ऑल योर एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स. क्योंकि अन अकेडमी इज द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, जहाँ आप पढ़ते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से. जी हाँ, अन अकेडमी पे जितने भी एजुकेटर्स होते हैं, दे आर द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया एंड दे आर हाईली क्वालिफाइड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेटर्स अक्रॉस द कंट्री. तो व्हेन यू आर लर्निंग द बेस्ट फ्रॉम द बेस्ट, तो आपके एग्जाम्स में मार्क्स तो अच्छे आने हैं. इसके अलावा अगर आपको अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, अपनी परफॉर्मेंस यू नो रेगुलरली कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करनी है, तो आपको लेना पड़ेगा अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन. अब अन अकेडमी के दो सब्सक्रिप्शन होते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. पहले हम बात करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन की. तो अगर आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगे. तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है वो तो ये है कि आप अपने घर बैठे बैठे आराम से पढ़ सकते हैं. आपको किसी ट्यूशन टीचर के घर नहीं जाना है, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कहीं नहीं जाना है. आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं जाना है. अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप घर बैठे बैठे आराम से पढ़ सकते हैं, किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, अपने कम्फर्ट से पढ़ सकते हैं, खाते खाते पढ़ सकते हैं, पानी पीते हुए, जूस पीते हुए पढ़ सकते हैं. Everything comes down to your comfort. आप अपने comfort से कहीं पे भी अन अकेडमी के subscription अगर आप लेते हैं, तो कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, given आपके पास internet connection है और अच्छा internet connection है. इसके अलावा आप अगर अन अकेडमी का plus subscription लेते हैं, तो आपको मिलता है एक mentor, जो आपको यू नो एज अ फ्रेंड आपको गाइड करते रहेंगे कि कैसे परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है, कैसे आप और प्रोग्रेस कर सकते हैं, किन एरियाज में परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो. ये सारी गाइडेंस आपको एक मेंटोर देगा. इसके अलावा अन अकेडमी आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगा, तो आपको एग्जाम से पहले बिल्कुल डरने के बाद यू नो गूगल पे अपना कोर्स मटेरियल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अन अकेडमी आपको पूरा स्टडी मटेरियल खुद से प्रोवाइड करेगा. इसके अलावा अन अकेडमी पे डेली MCQs होते हैं, डेली क्विज होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, हर रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होते रहते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, जिससे आपका जो सिलेबस है वो बार बार रिवाइज होता रहता है, और आपके जो टिप्स पे है ना पूरा चैप्टर आ जाता है. इससे ज्यादा और क्या चाहिए किसी स्टूडेंट को, कि पूरा चैप्टर इतने अच्छे से यू नो प्रिपेयर हो जाए कि टिप्स पे सारे पॉइंट्स हो. इसके अलावा भी अन अकेडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो भी बात करने वाले हैं. विद ऑफ कोर्स अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो क्या क्या पैकेजेस होते हैं, क्या क्या रेट्स पे अवेलेबल है, कैसे आप डिस्काउंट ले सकते हैं, ये सब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो भी बात करने वाले हैं, और बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं. अब बात आती है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की. तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन से थोड़ा और बेटर होता है, थोड़े से फीचर्स और होते हैं. अभी फीचर्स क्या है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे आप लाइव अपने सारे डाउट्स, एकेडमिक डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते हैं, वैसे वैसे ऑफकोर्स डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स अपने डाउट्स सारे लाइव आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पूछ सकते हैं. जैसे जैसे पढ़ते हैं, वैसे वैसे आप डाउट्स पूछ सकते हैं, तो स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स तो वहाँ क्लियर होते ही हैं. बट इसके अलावा कभी कभी हमारे पेरेंट्स को भी डाउट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के करियर को लेके, उनकी परफॉर्मेंस को लेके, उनकी प्रोग्रेस को लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं पेरेंट्स को. तो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे बच्चों के डाउट्स तो क्लियर होते ही हैं, पेरेंट्स के भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं. और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी सारे प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं. तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स, इतने सारे फीचर्स मिलते हैं कि आप एक बार ले लेंगे तो विद इन अ वीक
आई गारंटी विद इन अ वीक आपकी परफॉर्मेंस आपको इम्प्रूव होते हुए दिखेगी। और अगर आप वैसे तो सब्सक्रिप्शन के सारे रेट्स बहुत रीजनेबल हैं, बहुत यू नो कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत अफोर्डेबल है, बट इन अफोर्डेबल रेट्स को भी अगर आपको और कम करना हो, यानी कि अगर इन रेट्स पे भी आपको 10% डिस्काउंट चाहिए, तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज PJAIN 10। इट इज ऑल्सो मेंशन एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने के टाइम मेरा ये कोड यूज करेंगे तो आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिलेगा, फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अब बात आती है कि सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पे जाते हैं तो आपको सारे सब्सक्रिप्शन विद ऑफ कोर्स ऑल द पैकेजेस एंड द रेट्स आपको इजीली दिख जाएगा, आपको इजीली अवेलेबल होगा। आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे, जो भी पैकेज आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अवेल करते हैं, वहां पे आपको मेरा ये कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज PJAIN 10। बिकॉज अगर आप मेरा एक कोड यूज करेंगे तो आपको सीधा सीधा 10% फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा। तो आपको किस बात की देरी, आप अभी के अभी ऐप को डाउनलोड करिए अगर आपने डाउनलोड नहीं किया, और तुरंत सब्सक्रिप्शन लीजिए। बिकॉज एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपकी लाइफ जिंगा लाला, एंड दैट्स गारंटी आई कैन यू नो कॉन्फिडेंटली गिव यू, आपको अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए विद इन अ वीक दिखेगी। तो आपको बिल्कुल देरी करनी ही नहीं चाहिए। हम इसी वीडियो के एंड में भी सारे सब्सक्रिप्शन के फीचर्स बहुत डिटेल में फिर से बात करेंगे, सारे पैकेजेस क्या क्या पैकेजेस हैं, उनकी क्या क्या रेट्स हैं, और कैसे उन रेट्स पे आपको डिस्काउंट मिल सकता है। हम सब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीजें फिर से मैं बताने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। अब मैंने अनअकैडमी के बारे में तो आपको इतना सब कुछ बता दिया, अब थोड़ा मैं अपने बारे में भी बता ही देती हूँ। सो माय नेम इज प्रतीक्षा जैन एंड आई एम वन ऑफ द एजुकेटर्स एट अनअकैडमी। आई टीच सोशल साइंस टू ग्रेड 7। आई कंप्लीटेड माय बैचलर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी फ्रॉम लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, मेरे बारे में मैंने सब बता दिया। अब हम फाइनली चैप्टर पे आ जाते हैं, बट चैप्टर पे आने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है। क्योंकि देखो क्या होगा ना, मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगी, आप बहुत अच्छे से एग्जाम्स भी देकर आ जाओगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बिकॉज आप अनअकैडमी के साथ पढ़ रहे हो, अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो अब क्या है, मैं पढ़ा दूंगी, आप चैप्टर भी अच्छे से समझ जाओगे, एग्जाम दे आओगे, बट क्या हमारी नॉलेज कम्प्लीट होगी? हमारी नॉलेज कंप्लीट नहीं होगी जब तक हमें ये अच्छे से नहीं पता कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या होता है। हम ज्योग्राफी सिविक्स हिस्ट्री तो पढ़ लेंगे सोशल साइंस में, बट अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट का क्या मीनिंग है, तो ये नॉलेज किस काम की है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हिस्ट्री इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, व्हाट डज हिस्ट्री मीन, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो हिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स, यानी कि जो चीजें पास्ट में हो चुकी है, भूतकाल में हो चुकी है, जो चीजें पहले घटनाएं घट चुकी है, उन चीजों को अगर हम किसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं तो वो होता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम बेसिकली स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स करते हैं, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी हिस्ट्री की बुक खोलो या हिस्ट्री का एग्जाम देने जाओ या इवन ये वर्ड कहीं पे सुनो तो आपको एकदम से क्लिक होना चाहिए, हिस्ट्री मतलब कुछ ऐसी चीज के बारे में बात हो रही है या कुछ ऐसी चीज हम पढ़ने वाले हैं जो यू नो पास्ट में इवेंट हो चुका है, पास्ट में ये घटना घट चुकी है। या अगर हम किसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं तो उसका नाम है हिस्ट्री। सो हिस्ट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स। तो आई होप आपको सब्जेक्ट का मीनिंग क्लियर होगा। अब हम फाइनली अपने चैप्टर पे आए जाते हैं, तो इस वीडियो में मैं हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ाने वाली हूँ, That is the Delhi Sultan। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर पे मैं 3 वीडियोस बनाने वाली हूँ। ये इस चैप्टर का पहला वीडियो यानी कि पार्ट 1, इसके बाद मैं पार्ट 2 बनाऊंगी और फिर पार्ट 3।
3 बनाऊंगी, यानी कि इस चैप्टर को मैं बेसिकली 3 वीडियोस में कवर करने वाली हूँ। अब बात यह है कि जो पहला वीडियो है, जो पार्ट 1 है, उसमें मैं कौन से चैप्टर्स कवर करने वाली हूँ। तो ये जो पहला वीडियो है, पार्ट 1 है, यहाँ पे मैं इमर्जेंस ऑफ दिल्ली सुल्तान से लेके रज़िया सुल्तान के टॉपिक्स के बीच, इन दो टॉपिक्स के बीच में जितने सारे टॉपिक्स आते हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सेकेंड पार्ट में, यानी सेकेंड वीडियो में, मैं एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत से लेके द मस्जिद टॉपिक तक सारे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। एंड फाइनली थर्ड वीडियो में आई विल बी कवरिंग एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खिलजीज एंड द तुगलक्स, यानी खिलजी और तुगलक के अंदर क्या एडमिनिस्ट्रेशन हुई, वो सारा की सारा मैं थर्ड वीडियो में कवर करूंगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये वाला पार्ट मैं पूरा ही एक अलग वीडियो में बनाऊंगी। तो इस वीडियो, जैसा कि ये वीडियो पार्ट 1 है, तो हम पढ़ेंगे इमर्जेंस ऑफ दिल्ली सुल्तान, कैसे दिल्ली सल्तनत बनी, कैसे इमर्ज हुई, और फिर हम रज़िया सुल्तान तक कौन थी, क्या हुआ उनका, क्या कैसे वो सुल्तान बनी, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वीडियो, पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, जो कि इमर्जेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत से लेके मैं रज़िया सुल्तान तक कवर करने वाली हूँ। सो दिल्ली एक बहुत बड़ी सिटी है, हमें आज पता है, आज हमारी इंडिया की कैपिटल भी दिल्ली ही है और बहुत टाइम से है। बट ये दिल्ली इतनी इम्पोर्टेंट सिटी बनी कैसे, कैसे ये कैपिटल के वे में कन्वर्ट हुई, थी तो ये एक सिटी ही। अब हमारे इंडिया में तो इतनी सारी सिटीज हैं, जयपुर है, मुंबई है, लखनऊ है, चेन्नई है, बैंगलोर है, कोलकाता है, इतनी सारी सिटीज हैं, तो फिर दिल्ली ही कैपिटल क्यों? क्योंकि दिल्ली से ज्यादा डेवलप अगर हम देखें तो आज मुंबई है। मुंबई फाइनेंशियली बहुत डेवलप्ड कंट्री है और भी टेक्नोलॉजिकली भी बहुत डेवलप्ड कंट्री है, तो फिर मुंबई कैपिटल क्यों नहीं बनी, दिल्ली ही क्यों कैपिटल बनी? ये क्वेश्चन कभी आप लोगों की माइंड में भी आता होगा। तो हम दिल्ली की हिस्ट्री पहले एकदम अच्छे से देखते हुए चलेंगे कि कैसे दिल्ली पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट ओवर द सेंचुरीज, ओवर द ईयर्स, दिल्ली कैसे इम्पॉर्टेंट सिटी बनती गई। तो पहले हम दिल्ली के बारे में समझेंगे। 12th सेंचुरी में दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनने लगी। कैसे बनने लगी? तो 12th सेंचुरी में एक डायनेस्टी थी तोमार राजपूत की, और सबसे पहले उन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया, अपनी राजधानी बनाई। पूरा कंट्रोल उनका, तोमार राजपूत का जितना भी कंट्रोल था, वो पूरा ऑपरेशन, अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली से करते थे। तो अगर आपके एग्जाम में ये आए कि दिल्ली को सबसे पहले अपनी कैपिटल किसने बनाई, तो आराम से लिख के आना, तोमार राजपूत ने बनाई। फिर तोमार राजपूत को इन द मिडिल ऑफ 12th सेंचुरी, यानी कि 1340 तक, 1345, 1350 तक, इस टाइम पीरियड के आसपास तोमार राजपूत को चौहान्स ने हरा दिया था। चौहान्स के बारे में हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, पृथ्वीराज चौहान के भी बारे में हमने पढ़ा था। तो चौहान्स ओरिजिनली अजमेर सिटी के थे, तो अजमेर सिटी से चौहान्स ने 12th सेंचुरी में तोमार राजपूत पे अटैक कर दिया और उनको हरा दिया। तो सबसे पहले तो तोमार राजपूत ने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया, उसके बाद तोमार राजपूत को हरा के चौहान्स ने दिल्ली को अपने कंट्रोल में लिया। तो बेसिकली दिल्ली का जो डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगा, जो एकदम इनिशियल इम्पॉर्टेंट जो ये सिटी बनने लगी, इनिशियल इम्पॉर्टेंस मिली, इनिशियली दिल्ली जो कैपिटल में कन्वर्ट होने लगी, तो सबसे पहले वो तोमार और चौहान्स के अंडर ही हुई। तो हम फिर से एक बार देखते हैं, 12th सेंचुरी में दिल्ली एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी बनने लगी। सबसे पहले दिल्ली को अपना कैपिटल तोमार राजपूत ने बनाया, फिर तोमार राजपूत पे अटैक किया चौहान्स ने, और अटैक करने पे तोमार राजपूत उनसे जो वॉर है वो हार गए, इसलिए चौहान्स ने फिर दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाई। और ये जो तोमार्स और चौहान्स थे, इन्हीं के अंडर में दिल्ली का, दिल्ली एक बहुत इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बनी। दिल्ली एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैपिटल के वे में धीरे धीरे डेवलप होने लगी। तो सबसे पहले डेवलपमेंट दिल्ली का एज अ कैपिटल हुआ तोमार राजपूत के अंदर, और उनके बाद जो चौहान आए, जो चौहान डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई, उन्होंने भी दिल्ली को बहुत अच्छा डेवलप किया। अब क्या डेवलपमेंट्स हुए दिल्ली में,
ये जो 12th सेंचुरी का टाइम था, इस टाइम पे बहुत सारे जैन मर्चेंट्स थे, यानी कि जो जैन सेठ थे, जैन बिजनेसमैन बहुत सारे दिल्ली में रहते थे, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिर इस टाइम पे कंस्ट्रक्ट करे थे। अब यहाँ पे एक स्पेशल काइंड ऑफ कॉइन्स होते थे, सिक्के। अभी अगर हम आज के सिक्के देखते हैं तो हमारे सिक्कों पे एक अशोक चक्र होता है, दो ऐसे फेदर्स जैसी पत्तियां, पेटल्स बनी होती हैं, और बहुत सारी चीजें और डिजाइन हमारे कॉइन्स पे आज के टाइम पे भी होती है। तो पहले के कॉइन्स में भी अलग अलग टाइप की चीजें उन पे मिंट करवाई जाती थी, यानी कि उन पे बनाई जाती थी। अगर आप स्क्रीन पे दो इमेज देख रहे हैं तो आप देख सकते हो ये दो कॉइन्स हैं। अब इन कॉइन्स पे कितनी सारी चीजें बनाई हुई है, छोटी छोटी बारीक चीजें ड्रॉ करी हुई है, तो इसको कहते हैं कॉइन मिंटिंग। और दिल्ली में जो कॉइन्स चलते थे उनको कहते थे दहली वाल। ये दहली वाल आसपास के एरियाज में भी बहुत वैलिड थे, चीजों को इन कॉइन्स के थ्रू खरीदा जाता था, बेचा जाता था। हमने ये तो समझ लिया कि दिल्ली का जितना भी डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगा, इनिशियल जो डेवलपमेंट है वो तोमर राजपूत और चौहान के अंडर हुआ। बट अगर दिल्ली एज अ फुल फ्लेजेड कैपिटल में कन्वर्ट हुई, कैपिटल जिसके अंडर बहुत सारे एरियाज आते थे, जिसके थ्रू बहुत सारे वास्ट एरियाज को कंट्रोल किया जाता था, ऐसी अगर स्ट्रॉन्ग कैपिटल दिल्ली बनी तो वो 13th सेंचुरी में बनी, जब दिल्ली सल्तनत फॉर्म होने लगी। अब ये दिल्ली सल्तनत क्या है? तो दिल्ली सल्तनत बेसिकली बहुत सारी डायनेस्टीज से मिलके एक दिल्ली सल्तनत बना, जिसके कारण दिल्ली जो है फुल फ्लेजेड एक कैपिटल में कन्वर्ट होने लगी। अभी दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी डायनेस्टीज आई? तो बेसिकली दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी आई, और इन 5 डायनेस्टीज से दिल्ली सल्तनत बनता है। अब ये 5 डायनेस्टीज कौन सी है? तो सबसे पहले आए अर्ली टर्किश रूलर्स, जिनको मामलक डायनेस्टी भी कहते हैं। अभी अर्ली टर्किश रूलर्स का क्या है, ये टर्की से आए थे, इसलिए इनको कहते हैं अर्ली टर्किश रूलर्स। ये मामलक डायनेस्टी भी इनको कहते हैं। फिर अर्ली टर्किश रूलर्स के बाद आई खलजी डायनेस्टी, फिर उसके बाद आई तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद आई सैयद डायनेस्टी, और लास्ट आई लोधी डायनेस्टी। अलग अलग टाइम पीरियड में दिल्ली के ऊपर अलग अलग डायनेस्टीज ने अपना कंट्रोल किया, अपना रूल एस्टैब्लिश किया, और इसी कारण से जो दिल्ली है वो धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल में कन्वर्ट होने लग गई, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिटी बन गई। और जो राजा आता था, जो जो रूलर आता था, या जो भी डायनेस्टी होती थी, उनको दिल्ली से ही अपना कंट्रोल करना होता था। दिल्ली बेसिकली उस टाइम पे पॉलिटिकली बैकबोन थी, तो जितने भी रूलर्स इंडिया में आते थे बाहर से, या इंडिया के कोई रूलर्स होते थे, उनको लगता था अगर हमें पूरे कंट्री पे रूल करना है, पूरे कंट्री पे कंट्रोल करना है, तो एक बार हमारे अंदर अगर दिल्ली आ गई, अगर दिल्ली हमारे कब्जे में आ गई, तो हम पूरी कंट्री में आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। इस बात से ही हमें पता चलता है कि दिल्ली कितनी इंपॉर्टेंट सिटी ओवर द ईयर्स बन गई होगी, कि जो राजा आता था, जो रूलर आता था, जो डायनेस्टी एस्टैब्लिश होती थी, वो सब दिल्ली ही चाहते थे, सबको दिल्ली के ऊपर ही कंट्रोल करना था। तो दिल्ली एक बहुत ओवर द ईयर्स, ओवर द सेंचुरीज बहुत इम्पोर्टेंट, पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट एक सिटी बन चुकी थी। अब अगर आप इस टेबल को देखोगे तो अलग अलग डायनेस्टीज और उनके सारे रूलर्स जिन्होंने दिल्ली के ऊपर कंट्रोल किया, दिल्ली के ऊपर रूल किया, वो सारा आपको इस टेबल से मिलता है। तो जैसे कि हमने कहा 12th सेंचुरी में सबसे पहले अगर दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाई तो वो तोमार राजपूत ने बनाई। तो तोमार राजपूत में भी एक सबसे इम्पोर्टेंट राजा है अनंगपाल। 12th सेंचुरी में सबसे पहले अनंगपाल ने अपनी दिल्ली को कैपिटल बनाया। फिर तोमार पर अटैक हुआ चौहान का, और तोमार हार गए चौहान से, तो चौहान डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई और पृथ्वीराज चौहान राजा बने दिल्ली के। तो पृथ्वीराज चौहान ने भी अपनी दिल्ली को ही अपनी कैपिटल बनाई 1175 से लेके 1192 तक। फिर चौहान के बाद आए अर्ली टर्किश रूलर्स, जो कि आए 13th सेंचुरी में, क्योंकि देख सकते हैं
पहला जो अर्ली टर्किश रूलर हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, ही स्टार्टेड रूलिंग इन 1206, यानी कि 13 सेंचुरी में कुतुबुद्दीन ऐबक के स्टार्ट से, कुतुबुद्दीन ऐबक से मामलक डायनेस्टी स्टार्ट हुई अर्ली टर्किश रूलर्स आए। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शमसुद्दीन इल्तुमिश बने किंग। उनके बाद शमसुद्दीन इल्तुमिश के बहुत सारे बेटे थे, बट बेटे होने के बाद भी उन्होंने अपनी बेटी को सुल्तान बनाया, और इल्तुमिश के बाद रजिया सुल्तान बनी। बट रजिया सुल्तान ज्यादा टाइम तक रूल नहीं कर सकती, नहीं कर पाई दिल्ली से। क्यों नहीं कर पाई, क्या उस टाइम की माइंडसेट थी, ये सब हम आगे समझेंगे, क्योंकि रजिया सुल्तान पे भी हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फिर 1266 में रजिया सुल्तान के बाद रूलर दिल्ली पे आए घियासुद्दीन बलबन। फिर घियासुद्दीन बलबन बेसिकली मामलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। इनके बाद आई खलजी डायनेस्टी फॉर्म हुई। खलजी डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर थे जलालुद्दीन खलजी, जिन्होंने 1290 से 1296 तक रूल किया। उनके बाद रूलर आए अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1296 से लेकर 1316 तक रूल किया, यानी कि 13 सेंचुरी के एंड से लेके 14 सेंचुरी के स्टार्टिंग तक इन्होंने इतने सालों तक रूल किया दिल्ली पे। खलजी डायनेस्टी के बाद आई तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर थे घियासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने दिल्ली पे रूल किया 1320 से लेके 1324 तक। उसके बाद मोहम्मद तुगलक आए, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आए, जिन्होंने 1351 से लेके 1388, यानी कि इतने साल 51 से लेके 1388 तक इन्होंने रूल किया। फिर फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक डायनेस्टी उनके साथ ही खत्म हो गई। तुगलक डायनेस्टी के बाद आई सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के सबसे मेन रूलर थे खिज्र खान, जिन्होंने 1414 से लेके 1421 तक दिल्ली के ऊपर रूल किया, यानी कि 15 सेंचुरी स्टार्ट हो चुकी थी। और फिर सैयद डायनेस्टी के बाद एस्टैब्लिश हुई लोधी डायनेस्टी, जिसमें सबसे पहले रूलर अगर लोधी डायनेस्टी के थे तो वो थे बहलोल खान लोधी, जिन्होंने दिल्ली के ऊपर रूल किया 1951 से लेके 1451 से लेके 1489 तक, यानी कि इतने साल बहलोल लोधी ने भी दिल्ली के ऊपर से कंट्रोल किया। लोधी डायनेस्टी में फिर और भी बहुत सारे लोग आए, इब्राहिम लोधी आए, सिकंदर लोधी आए, एक ईयर्स तक इन्होंने जो है दिल्ली के ऊपर कंट्रोल किया, बट आपके बुक में सिर्फ बहलोल लोधी तक ही दे रखा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी, मैं अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। ये जो दिल्ली सल्तनत जो 5 डायनेस्टी से बनी है, मामलक डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, ये 5 डायनेस्टी से दिल्ली सल्तनत बनी, ये तो हमने समझ लिया। बट ये दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको लिख के आना है लोधी डायनेस्टी, क्योंकि इस टेबल से भी हमें पता चलता है कि दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी 1451 से लेके 1526, मतलब बेसिकली ऑलमोस्ट 100 साल से थोड़ा सा कम, अराउंड 80 इयर्स तक, अगर किसी डायनेस्टी में जो कि लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, तो वो थी लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर थे, सबसे पहले किंग थे बहलोल लोधी। तो ये छोटे छोटे फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, एग्जामिनर्स के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे से, और यूजुअली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया तोमार्स ने, उसके बाद चौहान्स आए, उसके बाद अर्ली टर्किश रूलर्स आए जिसको मामलक डायनेस्टी भी कहते हैं, उसके बाद आई खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी के बाद आई तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के बाद आई सैयद डायनेस्टी, और सैयद डायनेस्टी के बाद जो लास्ट डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की वो है लोधी डायनेस्टी। बिकॉज लोधी डायनेस्टी के बाद जब लोधी डायनेस्टी खत्म होती है
तो मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको दिल्ली सुल्तान, जो इतनी बड़ी दिल्ली सल्तनत हुई ओवर 200 ईयर्स तक, जिन्होंने अलग अलग डायनेस्टीज आई और उन्होंने दिल्ली के ऊपर कंट्रोल किया, तो आई होप आपको सारी डायनेस्टीज जिन्होंने दिल्ली सल्तनत बनाई बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब क्वेश्चन आता है कि हमें इतना दिल्ली सुल्तान के बारे में पता कैसे चलता है, हम कैसे दिल्ली सल्तनत के बारे में और चीजें जान सकते हैं। तो हमें हिस्ट्री के बारे में, दिल्ली सुल्तान के बारे में पता चलता है तारीख या तवारिक से। तारीख होता है एक सिंगुलर वर्ड और तवारिक होता है एक प्लूरल वर्ड। जैसे चाइल्ड होता है सिंगुलर, वन चाइल्ड, और चिल्ड्रन हो जाते हैं प्लूरल, यानी कि बहुत सारे बच्चे। वैसे ही सिंगुलर, अगर पर्शियन भाषा में सिंगुलर वर्ड होता है तारीख, और उसी का प्लूरल यानी बहुत सारी तारीख होती है, तो उसे कहते हैं तवारिक। इन तारीख और तवारिक से बहुत सारी चीजें हिस्ट्री के बारे में, इन पर्टिकुलर दिल्ली सुल्तान के बारे में हमें पता चलती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये तारीख या तवारिक होती क्या है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, तारीख या तवारिक बेसिकली होती है एक बुक कह सकते हो आप, या एक डॉक्यूमेंट कह सकते हो, जो हाथ से लिखी जाती है, मतलब बेसिकली मैन्यूस्क्रिप्ट ही होती थी, क्योंकि हमने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा था मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है। मैन्यूस्क्रिप्ट ऐसी बुक्स या डॉक्यूमेंट्स होती है या पोम्स होती है जो हाथ से लिखी जाती है। तो वैसे ही ये तारीख या तवारीख भी हाथ से लिखी जाती थी, एक बेसिकली छोटी सी बुक होती थी जो कि पर्शियन में लिखी जाती थी। अभी क्वेश्चन एक और आता है कि भाई पर्शियन में ही क्यों लिखी जाती थी, अरेबिक में क्यों नहीं लिखी जाती थी, उर्दू में क्यों नहीं लिखी जाती थी, हिंदी में क्यों नहीं लिखी जाती थी, पर्शियन में ही क्यों लिखी जाती थी। तो ये आपको एक बहुत अपने माइंड में सेट कर लो कि उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन की जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, यानी कि जो दिल्ली को कंट्रोल करने की, दिल्ली में जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उस टाइम पे, जो लैंग्वेज जो कॉमन थी वो थी पर्शियन। इसलिए ये तारीख या तवारीख पर्शियन में ही लिखी जाती थी। अब ये जो तारीख जो लिखते थे, यानी कि तवारीख के जो ऑथर्स होते थे, जो इन तवारीख इन बुक्स को लिखते थे, ये कोई ऐसे ही वैसे लोग नहीं होते थे, ये लर्न मैन होते थे, यानी कि पढ़े लिखे आदमी होते थे, सेक्रेटरीज होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, पोएट्स होते थे यानी कि कवि होते थे, ऐसे कोई नहीं होते थे, हाई प्रोफाइल पढ़े लिखे लोग होते थे जो इन तवारीख को लिखते थे। अब ये तवारीख यानी कि ऑथर्स ऑफ तवारीख पहले की जो इवेंट्स है, यानी कि पास्ट इवेंट्स है, जो हिस्ट्री हो चुकी है, उन इवेंट्स को याद कर करके लिखते थे, और जो रूलर्स होते थे उनको भी एडवाइस देते थे कि कैसे गवर्नेंस करनी चाहिए, कैसे जस्टिस को इंश्योर करना चाहिए, ये सारी एडवाइस भी तवारीख के ऑथर रूलर्स को देते थे। यानी कि ये तवारीख के जो ऑथर्स होते थे, जो ये तवारीख लिखते थे, ये सिर्फ तवारीख लिखते ही नहीं थे, ये जो राजा होते थे उनको भी एडवाइस देते थे, जो एम्परर होते थे उनको भी एडवाइस देते थे कि ऐसे आपको अपनी गवर्नेंस करनी चाहिए, ऐसे आप एक जस्टिसफुल जस्टिस इस्टेब्लिश कर सकते हो, जस्टिस सबके लिए इंश्योर कर सकते हो। तो ये सब तवारीख के ऑथर ही राजा को बताते थे। अब बात तवारीख बनती कैसी थी, हमने देखा तवारीख मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, क्योंकि पहले के टाइम पे कोई प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग की कोई मशीन तो होती नहीं थी जिसमें पेपर डाला और पूरी बुक छप गई, तो पहले के लोग हाथ से लिखते थे। तब क्वेश्चन आता है कि तवारीख का क्या क्या स्टेजेस है, क्या प्रोसेस है जिससे तवारीख फॉर्म होती थी। तो सबसे पहले बनाया जाता था पेपर, क्योंकि पेपर के ऊपर ही लिखते थे, तो सबसे पहले पेपर बनता था, फिर उसके बाद उस पेपर पे लिखा जाता था हाथ से, जो भी टेक्स्ट होता था उस पेपर पे लिखा जाता था। अब फिर क्या होता है, जैसे आप भी जब अपनी बुक से चैप्टर पढ़ते हो तो जो मेन पॉइंट्स होते हैं या जो हाइलाइटेड वर्ड्स होते हैं उसको आप हाईलाइट कर देते हो या अंडरलाइन कर देते हो, या कुछ वर्ड्स ऑलरेडी आपकी बुक में बोल्ड में होते हैं यानी कि हाइलाइटेड होते हैं। तो जब पेपर पे ये लोग टेक्स्ट लिख देते थे, फिर उन इम्पोर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कैसे करते थे, तो ये लोग क्या करते थे, जो गोल्ड होता था यानी कि जो सोना होता था उसको पिघलाते थे,
और फिर जो पेन जिससे भी लिखते थे पेन वगैरह उसकी इंक उस गोल्ड को उस इंक पॉट में डाल देते थे, और फिर जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स था उसको गोल्ड से हाईलाइट करते थे। मतलब देखो क्या रॉयल्टी रही होगी कि कोई वर्ड्स को भी अगर इन्हें हाईलाइट करना है तो जो एक्चुअल गोल्ड होता है उसको मेल्ट करके फिर उस गोल्ड की इंक से उन वर्ड्स को हाईलाइट करते थे या पैराग्राफ्स को हाईलाइट करते थे। और जब पूरी तवारीख या पूरी मैन्युस्क्रिप्ट बन जाती थी तो उसकी बाइंडिंग करते थे, यानी कि सारे पेपर को इकट्ठा करके उसकी बाइंडिंग कर देते थे, उसकी एक बुक बना देते थे। तो ऐसे बनती थी मैन्युस्क्रिप्ट 12th 13th सेंचुरी में दिल्ली सुल्तान के अंदर, ऐसे तवारीख बनती थी। और आज जब हम इन तवारीख को देखते हैं या हिस्टोरियंस इन तवारीख को पढ़ते हैं तो उनको बहुत सारी चीजें दिल्ली सल्तनत के बारे में पता चलती हैं, दिल्ली सुल्तान के बारे में पता चलती है, और ये 12th 13th 14th 15th सेंचुरी में दिल्ली कैसी थी एज अ सिटी, कैसे एज अ कैपिटल थी, ये सब भी इन तवारीख से पता चलता है। कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था ये सब भी इन तवारीख से बहुत डिटेल में पता चलता है। अभी जो तवारीख के ऑथर्स थे इनको हम और ज्यादा डिटेल में समझने की पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी जो तवारीख के ऑथर्स थे ये मेनली शहर में ही रहते थे, यानी कि ज्यादातर दिल्ली में ही रहते थे, गांव वगैरह में नहीं रहते थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है। आप मान लो आप किसी सिटी में रहते हो और अगर मैं आपको कह दूं कि एक आपकी स्टेट का, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जयपुर में रहते हो, और आपको ही मैं कोई नीम राणा गांव या बगरू गांव के बारे में बोल दूं कि 10 लाइनें लिख के बताओ, अब आप उस गांव में रहते ही नहीं, तो आपको क्या पता कि वहां के लोग कैसे थे, उस गांव में क्या होता है। तो सेम चीज थी इन ऑथर्स की भी। ये ऑथर्स मेनली सिटीज में रहते थे तो ज्यादातर चीजें ये सिटी के बारे में ही लिखते थे, शहरों के बारे में ही लिखते थे, गांव में क्योंकि ये ज्यादातर नहीं रहते थे तो गांव के बारे में हमें इन तवारीख में पढ़ने को नहीं मिलता, बिकॉज ये मेनली दिल्ली के ऊपर ही लिखते थे, मेनली सिटीज पे ही लिखते थे। अब ये जो तवारीख लिखते थे ये सुल्तान की हिस्ट्री लिखते थे, दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान, क्योंकि इनको लगता था अगर हम सुल्तान की थोड़ी तारीफ कर देंगे, पहले की जो हिस्ट्रीज है वो लिख के सुल्तान को प्रेजेंट करेंगे तो सुल्तान हमसे खुश होकर हमें इनाम देंगे, सुल्तान विल बी वेरी हैप्पी और मुझे कुछ रिवॉर्ड्स देंगे। तो इसलिए भी ये तवारीख जो है ये बुक्स लिखते थे, तवारीख के ऑथर जो है तवारीख लिखते थे, बिकॉज दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स, कि सुल्तान हमें खुश होके इनाम देंगे। अब ये जो ऑथर्स थे हमने ये भी जाना कि ऑथर्स जो है रूलर्स को भी एडवाइस देते थे, राजा को भी एडवाइस देते थे कि कैसे उन्हें गवर्नेंस करनी चाहिए, कैसे जस्टिस एंश्योर करना चाहिए। तो ऐसे ही ये ऑथर्स जो है रूलर्स को एडवाइस करते थे कि वो एक आइडियल सोशल ऑर्डर मेंटेन करके चले। सोशल ऑर्डर यानी कि जो एक हायरार्की है सोसाइटी के अंदर, एक हायरार्की है कि ये अपर कास्ट, ये मिडिल कास्ट या मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ऐसी हायरार्की एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करके रहे। ऐसा सोशल ऑर्डर जो बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन इन दो चीजों के ऊपर बेस्ड हो। अब ये बर्थ राइट क्या होता है और जेंडर डिस्टिंक्शन क्या होते हैं, तो बर्थ राइट का मतलब होता है प्रिविलेजेस क्लेम्ड बाय बर्थ, यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं राजा हूँ तो मेरे जो बच्चे होंगे उनका एक बर्थ राइट है कि वो भी राजा बने, फिर उनके जो बच्चे होंगे उनका बर्थ राइट है कि वो भी राजा बने। तो यानी कि जन्म के साथ ही जो प्रिविलेजेस मिल जाती है, जो अधिकार मिल जाते हैं, उसके बेसिस पे सोशल ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। यानी कि अगर कोई आदमी सेनापति है तो फिर उसका बेटा ही वो सेना का सेनापति बनना चाहिए, गवर्नर बनना चाहिए। अगर कोई आदमी मिनिस्टर है तो फिर उसके बाद उसके बेटे को ही वो मिनिस्टर की पोस्ट मिलनी चाहिए। तो ये हो गया बर्थ राइट। अब हम आते हैं जेंडर डिस्टिंक्शन पे। तो जेंडर डिस्टिंक्शन का क्या मतलब होता है, सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन विमेन एंड मेन, यानी कि इसका बेसिकली ये मतलब है ऐसा जेंडर डिस्टिंक्शन कि
जो यू नो ऐसी जो पॉलिटिकल पोस्ट होती है ये मेन को ही देनी चाहिए या आदमी या लड़कों को ही देनी चाहिए, लड़कियों को नहीं देनी चाहिए। बेसिकली जेंडर डिस्टिंक्शन से इन ऑथर्स की थिंकिंग थी कि जो मेन है दे आर सुपीरियर टू वेमेन, मेन आर सुपीरियर टू वेमेन। ऐसा ये जो ऑथर्स थे ये राजा को कहते थे कि ये यू नो ये जो सोशल ऑर्डर है, ये जो आपका जो यू नो पोस्ट है किंग, उसके बाद आपके बेटों को ही मिलनी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट या एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन औरतों को नहीं दी जानी चाहिए, सिर्फ आदमियों को ही दी जानी चाहिए। ऐसा ही जेंडर डिस्टिंक्शन का आप एक एग्जाम्पल समझते हैं, रजिया सुल्तान। हमने अभी पढ़ा जेंडर डिस्टिंक्शन में मतलब ही, जेंडर डिस्टिंक्शन का बेसिकली ये मतलब है कि मेन आर बेटर देन वेमेन, यानी कि आदमी औरतों से बेटर है। ये सोच थी उस टाइम पे, ये जेंडर डिस्टिंक्शन थे। बट 1236 में सुल्तान इल्तमिश, जो कि मामलुक डायनेस्टी के रूलर थे, टर्किश रूलर थे, जो इंडिया में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सुल्तान इल्तमिश दिल्ली पे कंट्रोल उन्होंने किया था, मामलुक डायनेस्टी के सेकंड रूलर थे, यानी कि अर्ली टर्किश रूलर जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा उसमें सेकंड रूलर थे। अभी जो सुल्तान इल्तमिश थे इन्होंने जेंडर डिस्टिंक्शन को नहीं माना, उन्होंने ये नहीं सोचा कि लड़के लड़कियों से बेटर होते हैं। उनके सुल्तान इल्तमिश के बहुत सारे बेटे थे, बट उन बेटों के बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी को सुल्तान बनाया जिसका नाम था रजिया। इन्होंने अपनी बेटी रजिया को दिल्ली का सुल्तान बनाया बिकॉज ये जेंडर डिस्टिंक्शंस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। इनको लगता था कि अगर कोई सुल्तान बनता है तो उसको अपनी एबिलिटीज के थ्रू सुल्तान बनना चाहिए। एंड अगेंस्ट ऑल द जेंडर डिस्टिंक्शंस सुल्तान इल्तमिश ने अपनी बेटी रजिया को दिल्ली का सुल्तान बनाया। उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात थी बिकॉज उस टाइम पे बहुत जेंडर डिस्टिंक्शंस के स्टीरियोटाइप्स थे। उस टाइम पे बहुत ही माना जाता था कि लड़कियों को यू नो केयर गिविंग के काम ही करने चाहिए, ऐसे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशंस नहीं संभालनी चाहिए, गवर्नेंस की कोई पोस्ट नहीं संभालनी चाहिए। अब सुल्तान इल्तमिश ने तो सीधा ही अपनी बेटी को सुल्तान बनाया, किसी जगह का गवर्नर या कुछ नहीं बनाया, अपनी बेटी को उन्होंने दिल्ली का सुल्तान बनाया 1236 में। अब बहुत लोग इस डिसीजन से गुस्सा भी हुए क्योंकि उस टाइम पे जैसे मैंने बताया जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स थे, जेंडर डिस्टिंक्शंस थे, ये बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप्स थे जेंडर को लेके। तो बहुत सारे लोग गुस्सा भी हुए कि अरे बेटी को कैसे आपने सुल्तान बना दिया, आपके तो इतने सारे बेटे हैं उनमें से किसी एक को सुल्तान बना दो, बेटी को क्यों सुल्तान बनाया। तो ऐसे एक हिस्टोरियन थे मिनहाज आई सिराज। मिनहाज सिराज एक उस टाइम के एक हिस्टोरियन थे, एक क्रॉनिकलर थे, जिन्होंने ये तो यू नो उन्होंने ये एक्नॉलेज किया कि रजिया बहुत ही एक एबल्ड गवर्नर है, एक बहुत एबल्ड लीडर है, बट फिर भी उनके भाई को ही सुल्तान बनना चाहिए था, रजिया को सुल्तान नहीं बनना चाहिए था। बिकॉज मिनाज सिराज एक लेडी रूलर से, एक वुमेन रूलर से कंफर्टेबल नहीं थे, और मिनाज सिराज जैसे और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने यू नो एक लड़की को सुल्तान बनना वो एक इस फैक्ट से कंफर्टेबल नहीं थे। हाउ कैन अ क्वीन बिकम अ रूलर, हाउ कैन अ क्वीन बिकम अ सुल्तान। इसी कारण से 1240 में रजिया को रिमूव किया गया था थ्रोन से। 1240 में यानी कि 1236 में रजिया सुल्तान बनी और 4 साल बाद ही रजिया जो है सुल्तान उनको उस थ्रोन से रिमूव कर दिया गया था। शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। तो इस कारण से मिनाज सिराज ने ये तो एक्नॉलेज किया था कि रजिया जो है बहुत एक एबल लीडर है, बहुत क्वालिटीज है रजिया में, बट उन्हें फिर भी सुल्तान नहीं बनना चाहिए, उनके भाइयों को सुल्तान बनना चाहिए। और ही वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द फैक्ट दैट हाउ कैन अ क्वीन, एक जो क्वीन होती है, एक रानी होती है, एक प्रिंसेस हो सकती है, वो कैसे एक रूलर बन गई। सुल्तान इल्तमिश ने अपनी बेटी को कैसे सुल्तान बना लिया। तो शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। अब रजिया सुल्तान के बाद क्या हुआ, कौन सी डायनेस्टी फॉर्म हुई,
मामलुक डायनेस्टी के बाद बेसिकली खलजी डायनेस्टी फॉर्म होती है, तो कैसे वो फॉर्म हुई, क्या उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हम वीडियो के सेकंड पार्ट में जानेंगे। वीडियो का फर्स्ट पार्ट जैसे कि मैंने बताया था, इमर्जेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत से लेके रजिया सुल्तान तक हमने इस वीडियो में पढ़ा। अब इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड वीडियो है, उसमें मैं बेसिकली कवर करने वाली हूँ दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन टिल द टॉपिक द मस्जिद। तो दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन कैसे हुआ और मस्जिद क्या होती है, इन दो टॉपिक्स के बीच में जितने और सब टॉपिक्स आ रहे हैं वो सब हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। बिकॉज जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू थ्री वीडियोस। ये पार्ट वन था। पार्ट टू में मैं एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत से लेके मस्जिद तक का टॉपिक कवर करूंगी, और उसके बाद हम बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को थर्ड वीडियो में कंपेयर करेंगे, खलजी और तुगलक डायनेस्टी में कंपैरिजन करेंगे। बेसिकली थर्ड वीडियो में करेंगे। बिकॉज ये चैप्टर इतना बड़ा है, इसीलिए मैंने चैप्टर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और सारे चैप्टर हम अच्छे से समझते हुए चले, बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि अगर मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बॉम्बार्ड कर दूंगी, एक साथ पूरा चैप्टर कवर करूंगी, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और पहले की जो इन्फॉर्मेशन है वो सब भी भूल जाओगे। इसलिए मैंने चैप्टर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये था पार्ट वन। अब दो और वीडियोस बेसिकली मैं इस चैप्टर पे बनाऊंगी, टेकिंग डिफरेंट टॉपिक्स इन ईच वीडियो, कवरिंग डिफरेंट टॉपिक्स इन ईच वीडियो। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। पहला वीडियो था ये चैप्टर का। और अब हम वापस से अन अकेडमी के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। अब आपको इस चैप्टर में हो सकता है बहुत सारे डाउट्स आए हों, बट आप मुझसे वो डाउट्स क्लियर नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है जहाँ पे आप सिर्फ ये वीडियो देखोगे। बट अगर आपको मुझसे इंटरेक्ट करना है और अपने डाउट्स लाइव क्लासेस में पूछने हैं, मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो आपको उसका आंसर देना है, या फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप आ सकते हैं सीधा सीधा फ्री स्पेशल क्लासेस पे। अभी फ्री स्पेशल क्लासेस कहाँ लगती हैं? तो फ्री स्पेशल क्लासेस बेसिकली अन अकेडमी के ऐप पर लगती है, अन अकेडमी का लर्नर्स ऐप, जहाँ पे आप मुझसे इंटरेक्ट भी कर सकते हो, मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो और मैं भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ। आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ही क्लास अटेंड कर सकते हो और ये क्लासेस बिल्कुल ही फ्री होती है। आपको ₹1 भी इन क्लासेस के लिए पे नहीं करना है, ये बिल्कुल फ्री होती है। और ये क्लासेस लगती है अन अकेडमी के ऐप पर, जहाँ पे आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं भी आपसे चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ। तो ये बेनिफिट्स है अन अकेडमी की स्पेशल क्लासेस के, जो कि बिल्कुल ही फ्री होती है। यू डू नॉट हैव टू पे इवन अ सिंगल पेनी फॉर दिस क्लासेस। आपको बस अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर आप जिस भी सब्जेक्ट की क्लासेस लेना चाहते हैं, जिस भी चैप्टर की क्लास लेना चाहते हैं, आप अन अकेडमी की स्पेशल क्लासेस पे उन सब्जेक्ट की क्लासेस ले सकते हैं। अब अकेडमी की पेड क्लासेस पे, अब ये पेड क्लासेस के जो इतने सारे फीचर्स होते हैं, इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो कैसे आप अवेल कर सकते हो जब आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। अब स्क्रीन पे आपको अन अकेडमी के सारे प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स तो फीचर्स तो दिख ही रहे हैं। यू गेट टू लर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस, यू गेट टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, देयर इज रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, आप रेगुलर बेसिस पे अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो, जितने भी अकेडमिक डाउट्स हैं। आपका जो भी सिलेबस है वो बहुत एग्जॉस्टिव तरीके से कवर किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, मेंटर आपको एक मिलेगा जो आपको एज अ फ्रेंड गाइड करते हुए चलेंगे, आपको गाइडेंस देते हुए रहेंगे कि कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को और प्रोग्रेस कर सकते हो, कैसे आप अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हो, कैसे आप अपनी मार्क्स को और इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, ये सारी गाइडेंस आपको आपका मेंटोर देगा। ये मेंटोर कैसे मिलेगा? जब आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसके अलावा
सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा टू ऑल द कोर्सेज। यानी कि अगर आप एक बार प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप सोशल साइंस ही पढ़ सकते हो क्योंकि आपने मेरे कोर्स से सब्सक्रिप्शन ले लिया। नहीं, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको साइंस पढ़नी है, आपको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है या आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स आप एक बार अगर प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो ये सारे कोर्स आप आपकी चाबी खुल जाती है, बेसिकली सारे दरवाजे खुल जाते हैं सिर्फ अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन की चाबी से, ये सारे दरवाजे खुल जाते हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल भी अनअकैडमी ही आपको प्रोवाइड करेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, सारे चैप्टर, सारी कोर्स बुक, सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अनअकैडमी स्टडी मटेरियल देगा। इसके अलावा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्रैक्टिस टेस्ट रेगुलर बेसिस पे होते रहेंगे, लाइव टेस्ट आते होते हैं जिससे आपको लाइव क्लास वाली फील एकदम जो आप स्कूल में जाके एग्जाम देते हो वैसी फीलिंग आ जाती है, और डेली प्रैक्टिस होते हैं, वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, लाइव क्विज होते हैं, डेली एमसीक्यूज होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं जहाँ पे आपको लॉन्ग टाइप आंसर देना होता है। यानी कि इतने फन तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होती है, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं कि एक बार अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो पहला तो जो मैं गारंटी दे सकती हूँ वो ये है कि आपको विद इन अ वीक आपके सारे जो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो विद इन अ वीक इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे इतने सारे टेस्ट सीरीज चलती ही रहती है, कभी प्रैक्टिस टेस्ट हो रहे हैं, कभी एमसीक्यूज हो रहे हैं, कभी लाइव टेस्ट हो रहे हैं, कभी मॉक टेस्ट हो रहे हैं, कि आपका जो सिलेबस है, आपका जो कोर्स है वो इतनी इतनी कंटिन्यूसली कवर होता जाता है, तो आपकी जो पूरा चैप्टर जो होता है वो टिप्स पे हो जाता है आपके। तो इतने सारे बेनिफिट्स है, अब आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अनअकैडमी के ऐप पे जाना है, सब्सक्रिप्शन ऑप्शन को क्लिक करना है, और अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये सारे पैकेजेस आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं, ये सारे पैकेजेस आप ले सकते हैं। 6 मंथ्स का पैकेज अवेलेबल है, 12 मंथ्स का है, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स के पैकेजेस हैं, अलग अलग रेट्स आपके स्क्रीन पे दे रखे हैं। और अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 3 मोबाइल स्क्रीन्स दे रखी है और तीनों मोबाइल स्क्रीन्स पे अलग अलग रेट्स हैं, तो ये जो पहला मोबाइल स्क्रीन है ये बेसिकली ओरिजिनल रेट्स हैं, यानी कि अगर आप लेते हैं कोई भी सब्सक्रिप्शन तो ये ओरिजिनल रेट्स हैं। बट अगर आप 10% डिस्काउंट लेते हैं, 10% डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। अभी 10% डिस्काउंट अवेल कैसे होगा, अगर आप मेरे जो कोड है PJAIN10, अगर आप मेरा ये कोड यूज करते हैं तो आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिलता है, और 10% ऑफ होने के बाद रेट जो है ये थर्ड मोबाइल फोन पे आप देख सकते हैं, 10% ऑफ होने के बाद 6 मंथ्स की रेट में कितना डिफरेंस आ जाता है, 12 मंथ्स की रेट में कितना डिफरेंस आ गया है, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स में जो रेट्स हैं कितना डिफरेंस आ चुका है। तो बेसिकली 10% डिस्काउंट अगर आपको अवेल करना है तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज मेंशन एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन। तो जैसे ओरिजिनल रेट्स आपकी स्क्रीन पे दी हुई है, और अगर आप 10% डिस्काउंट अवेल करते हैं तो रेट्स कितनी कम हो जाएगी वो सब आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो बेसिकली आपको जल्दी से अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करना है, अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड नहीं किया हुआ आपको सब्सक्रिप्शन ऑप्शन पे क्लिक करना है, और प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको जो भी पैकेज कन्वीनियंट हो आप वो पैकेज ले सकते हैं, सारे प्राइजेस आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, और 10% होने के बाद ये प्राइस और कितने नॉमिनल हो जाते हैं, कितने अफोर्डेबल हो जाते हैं, ये तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। अब हम आते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे, तब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, भाई अभी तो मैम ने प्लस सब्सक्रिप्शन बताया, अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बता रही है, क्या है ये, कितने सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी के। इसको आप ऐसे समझो, सपोज आप दिल्ली टू बॉम्बे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, अब ट्रेन में बहुत सारे कोचेस होते हैं, जनरल कोच होता है, थर्ड एसी का कोच होता है, सेकंड एसी का कोच होता है, फर्स्ट एसी का कोच होता है। अभी क्या डिफरेंस है, अगर आप जनरल कोच में बैठोगे तब भी दिल्ली से बॉम्बे पहुंचोगे, ऐसा तो है नहीं जनरल कोच में बैठे तो भाई अहमदाबाद पहुंचा दिया ट्रेन ने
और अगर फर्स्ट एसी में पहुंचे तो भाई बॉम्बे पहुंच रहे, ऐसा तो है नहीं। तो बात आती है कंफर्ट और लग्जरी की। जनरल कोचेस में उतने कंफर्ट और लग्जरी नहीं होते जितना कि एक फर्स्ट एसी के कंपार्टमेंट में होगा। तो वैसे ही आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप फर्स्ट एसी का कोच समझो, जहाँ लग्जरी ही लग्जरी है, कंफर्ट ही कंफर्ट है, आपके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। अब ये बेनिफिट्स क्या है, तो अगर आप अन अकेडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अन अकेडमी की तरफ से पर्सनल मेंटर मिलेगा जो सिर्फ आप पे ही ध्यान देगा, आपका ही बेस्ट फ्रेंड होगा, यू नो, एक ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप होगा। लाइफ लॉन्ग के लिए आपको एक फ्रेंड मिल जाएगा जो कि एक फ्रेंड की जैसे आपको गाइडेंस देगा, जो सिर्फ आपको ही गाइडेंस देगा, दो तीन बच्चों को एक साथ नहीं देगा, आपको एक पर्सनल मेंटोर होगा। लाइट आउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हो वैसे वैसे आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा वीकली रिपोर्ट आपको अन अकेडमी देगा, यानी कि पूरे थ्रू आउट द वीक आपने कैसे पढ़ाई की, कैसे प्रोग्रेस किया, क्या आपकी परफॉर्मेंस थी, ये वीकली बेसिस पे आपको एक रिपोर्ट मिलेगी जो अन अकेडमी आपको देगा। इसके अलावा पेरेंट कनेक्ट, यानी कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बच्चों के डाउट्स तो यहाँ क्लियर होते ही है, पेरेंट्स के भी जो डाउट्स होते हैं बच्चों के करियर को लेके, बच्चों की फ्यूचर को लेके, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी प्रोग्रेस को लेके, इतने सारे डाउट्स हमारे पेरेंट्स को हमारे लिए होते हैं। तो अन अकेडमी का अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ना केवल आपके डाउट्स क्लियर होते हैं बट आपके पेरेंट्स के भी सारे डाउट क्लियर होते हैं। जो एजुकेटर्स होते हैं वो बहुत पेशेंटली आपके पेरेंट्स के भी सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। इसके अलावा अन अकेडमी आपको एक स्टडी प्लानर बना के भी देगा, यानी कि अन अकेडमी पूरा एक स्टडी का प्लान बना के देगा कि आपको किस किस वीक में कितने चैप्टर्स कवर करने चाहिए, थ्रू आउट द मंथ आपके कितने चैप्टर्स कवर होने चाहिए, कौन से दिन कौन से चैप्टर्स आप कवर कर सकते हैं, जिस तरीके से आपका पूरा कोर्स जो है, पूरा सिलेबस जो है, अच्छी तरीके से कवर हो जाए। तो ये अन अकेडमी आपको पूरा एक स्टडी का प्लान बना के देता है एंड आप यू नो कंपेयर कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो कि क्या पूरे वीक में मेरे जितना इस प्लान के अकॉर्डिंग चैप्टर्स मेरे कवर होने चाहिए थे, क्या मेरे उतने चैप्टर्स कवर हुए हैं, क्या मेरा सिलेबस पीछे तो नहीं चल रहा है। तो आप ऐसे अपनी पूरी पढ़ाई को ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन के जितने भी फीचर्स थे, जितने भी बेनिफिट्स थे, वो सब आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं। तो आपको इतने सारे फीचर्स और इतने सारे बेनिफिट्स आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे मिलते हैं। अब आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फोन्स को पे अन अकेडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन पे जाना है और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है। अलग अलग प्राइस दे रखे हैं, अलग अलग पैकेजेस अवेलेबल हैं, अगेन 6 मंथ्स का पैकेज, 12 मंथ्स का पैकेज, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स का पैकेज है। और अगर आपको 10% ऑफ चाहिए पैकेजेस पे तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज PJAIN10। अगर आप मेरा एक कोड यूज करते हैं तो आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिलता है। पहले ही इतने रीजनेबल रेट्स हैं, पहले ही इतने अफोर्डेबल रेट्स हैं, अब आपको और इनको रीजनेबल बनाना है और एक तरह से मेरे को खुश करना है तो आपको ये सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आपकी जैसी कन्वीनियंस है, आपको जो पैकेज लेना है आप इन सब्सक्रिप्शन पे कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी पैकेज ले सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। सो आई होप आपको ये जो पार्ट वन था इस चैप्टर का, चैप्टर थ्री का पार्ट वन, ये पूरा वीडियो समझ आया होगा। जाने से पहले प्लीज लाइक करते हुए जाओ इस वीडियो को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के में, बैचमेट्स में, क्लासमेट्स में शेयर करो। सब्सक्राइब टू द अन अकेडमी चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गेट द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम द अन अकेडमी चैनल। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, स्टे ट्यून्ड फॉर 2 मोर वीडियोस। इस चैप्टर के 2 और वीडियोस हैं, वीडियो 2 एंड वीडियो 3, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो मेरे को अलग अलग पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड करना पड़ा। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टूवर्ड्स द एंड, एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड।